दोस्तों आज की वीडियो नए मिस्त्री लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज मैं साउल के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ और साउल किस तरीके से सही तरीके से अपन को करना सीखना है वो जानकारी मैं इसमें देने वाला हूँ। तो उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि साउल के जो सिंगल ईंट होती है ना, सिंगल पार्टीशन, उसमें वो सही से सही प्रकार से साउल नहीं कर पाते हैं, तो दीवार क्या हो जाती है, थोड़ी झुकी हुई नज़र आती है। तो जो ठेकेदार लोग होता है कहते हैं यार ये तो अनजान कारीगर है, तो उसकी पर रेट गिर जाती है, मेन रेट गिर जाती है और मकान वाले की नज़र में भी गिर जाता है यार ये सही तरीके से कर नहीं सकता, अनजान मिस्त्री है। इस वजह से एक तो साउल सही तरीके से करना सीख जाएंगे ना अपन, तो अपनी रेट भी बढ़ जाएगी और वैल्यू भी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसको बस करना क्या, थोड़ी सी 2-5 मिनट की वीडियो देखेंगे और आराम से सही तरीके से लगाना सीख सकते हैं अपन। तो करना क्या है, सबसे पहले केंडे पर नज़र अपन को फोकस करनी है। दो केंडे होते हैं ना, इसमें से एक ही अच्छे से सही होता है और सही को प्रैक्टिकल अपन कहीं भी एक जो खड़ी दीवार होती है ना, बाई बाने लगे होते हैं, जैसे कहीं भी एक सीधी प्लेन पट्टी लग रही है उस पर चेक कर सकते हैं। जो अपना सही जो केंडा होता है ना, ये वाला हिस्सा सिरा, कोई सा भी एक होगा इन दोनों में से, ठीक है, इसमें दो रहते हैं, इसमें से एक ही सिरा सही रहता है उसको, जैसे मैंने यहाँ पर मेरा सिरा ये वाला सही है तो इसको हर बार मैं टिकाऊंगा। अब टिकाऊंगा कहाँ, सबसे पहले देखना है जैसे कि यहाँ पर दीवार है, सही कैसा है, कैसे पता करेंगे? सही बताने के लिए अपन बाई बाना चेक करेंगे, बाई बाना जो होता है ना, अच्छा। सीधा प्लेन पट्टी, उसके जरिए अपन चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन जो सिंगल जो ईंट होती है ना, इसकी जो धार होती है ऊपर की साइड वाली, इसी पे लगाएंगे। लगाने का मकसद ये है कि जैसे अगर ये अंदर घुसी हुई ना, तो फिर इसमें नहीं लगाएंगे, जो बाहर निकला हुआ हिस्सा रहेगा फिर वो लगाएंगे अपन। तो यहाँ पर ये प्लेन है, बिल्कुल साउल में है, इस वजह से अपन को इस वाले ऊपर की कॉर्नर पे ही लगाएंगे। लगाने के बाद जो निचली वाली जिस ईंट पर अपन को दिखाना है ना, उसमें भी नीचे वाली जो ऊपर की जो उसकी धार होगी ना, उसी जगह दिखाएंगे। अगर वहाँ पर गड्ढा पड़ा होगा तो वहाँ नहीं दिखाएंगे फिर अपन, ठीक है। और साउल जैसे यहाँ से अपन दिखा रहे हैं ना फर्स्ट ईंट से, तो जो रंगत की ईंटें, मान लीजिए अपनी रंगत की ईंट ये हुई, तो सभी ईंटों की साउल इसी एक ईंट से, रंगत की वाली ईंट से ही करनी है। मान लीजिए पूरा ये ईंट है, ये रंगत की मान रहा हूँ मैं, एक समझाने की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरी जो रंगत की ईंट है ये नीचे वाली है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्लियरिटी में सही नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने ये वाली ईंट ली है, ठीक है। सारी ईंट साउल में ही है कम्प्लीट, तो मैं ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इस तरीके से फी हुई रहना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गेप होना चाहिए उसके बीच में, ठीक है। तो ये साउल में मानी जाती है, और साउल का ऊपर का हिस्सा ही दिखाना है, ऐसा नहीं कि यहाँ का नीचे दिखा दिया और वहाँ का ऊपर दिखा दिया, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो नए मिस्त्री अक्सर ये गलती करते हैं और फिर अपन को यार थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, कोई भी अपने बारे में कहता है यार ये कारीगर सही नहीं है, इसने तो पूरी दीवार ही को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो एक अपन को भी गंदी सी फीलिंग होती है अंदर, महसूस होती है यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया, एक साउल में सही कैसे नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हो अगर सही जानकारी अपने पास, आपको पूरा उसका नॉलेज है, और जो पुराने मिस्त्री उनसे अपने पूछ नहीं सकते, नहीं अपन कहेंगे तो और अपन को डाउट डांटेंगे, तो यार अपन उनसे पूछ भी नहीं सकते, तो फिर क्या करें। फिर ये वीडियो देखो और वीडियो देखने के बाद अपन आसानी से सॉल्व करना सीख सकते हो, और बाकी सभी तरह की जानकारी इसमें अपने वीडियो में है पूरी। आप चाहे तो इस पूरे चैनल पर जाकर पूरी वीडियो की जानकारी, मतलब जो कारीगर से संबंधित होती है वो पूरी जानकारी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर सॉल्व से संबंधित बात बता रहा हूँ मैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, इसलिए यहाँ पर सॉल्व सही से करना सीखें, ठीक है। और साउल को एक थामने का भी तरीका होता है, जैसे आप ऊपर का हिस्से को इस प्रकार से ऊंचे नीचे कर सकते हो, और जाम लगाने के लिए इसमें ब्रेक में लगाने के लिए क्या करेंगे अपन, जो जो अपनी उंगली होती है ना, इससे अपन इस प्रकार से इसको दबा सकते हैं इस तरीके से, इससे अपने का ब्रेक लग जाएगा। अब इसको आराम से भी अपन छोड़ सकते हैं, देखो ये धीरे 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 धीरे, और ऊपर खींचना हो तो फिर वो बस ऐसे खींच लेना है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक लगा देना है। तो इस तरीके से अपन साउल करना सीख सकते हैं, और क्या बताओ जी। तो दोस्तों साउल से संबंधित अगर आप वीडियो आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं सूखी पहले से दीवार बनी हुई इस पर दिखा रहा हूँ, और आपको प्रैक्टिकल साउल कैसे साउल सूत को, मतलब ये ईंट को आगे पीछे सरकानी है, यानी कि प्रैक्टिकल जो साउल करके दिखाता हूँ ना, तो मेरी वीडियो पर आप जाके वहाँ पर देख सकते हो मेरे चैनल पर, उसमें भी प्रैक्टिकली मैंने साउल करके दिखा रखा है किस तरीके से आपको ईंट को थोड़ा सा आगे रखना है कि पीछे हटाना है, कैसे साउल लगानी है, पूरी जानकारी उसमें मैंने दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो साउल से संबंधित वीडियो, और सभी तरह की कारीगर से संबंधित जानकारी मेरे वीडियो पर है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राम राम दोस्तों।